एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहां पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाते। तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर जो कि सीढ़ी पर चढ़ रहा था, वो फटाफट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से यही होता। दोबारा से ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती, वो बंदर जैसे ही नीचे आता दोबारा से बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। फिर उसके बाद में जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता, तो बाकी के बंदर सब इकट्ठे होकर के उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते। फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहां पर क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही सीढ़ी के ऊपर वो केले नजर आए, वो फटाफट से उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने इसको पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और मारने पीटने लग गए। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा कोशिश करी। जैसे उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया। तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। उस सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था, बट उसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, ना किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो पुराने 4 बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसी जगह पर डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी वही किया जो इससे पहले वाले ने किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश करी, बाकी 4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको मारा पीटा, सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा उसके साथ यही हुआ। और अब इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह पर 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि उस सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से उस सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांट करके खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, यानी कि इंसानों के साथ भी होता है। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होता है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है, वो रीति रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि वो बंदरों का एक्सपेरिमेंट, उसमें तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन अगर हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करें तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है, सोचिए।